आपको बताते चले, थाना दरगाह शरीफ अंतर्गत मोहल्ला गुलाम अलीपुरा निकट बड़ी तकिया शहर बहराइच में नियम कानून का उल्लंघन करते हुए अवैध व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सूचना अधिकारी गण को डाक जरिए भेजा जा चुकी है, लेकिन कलीम अहमद, अलीम अहमद, नईम अहमद, वसीम अहमद, अली अहमद, शमीम पुत्र गण स्वर्गीय फरहत अली शाह निवासी बड़ी तकिया मोहल्ला मसूरगंज के जरिए अवैध निर्माण दिन रात कराया जा रहा है और अवैध बिक्री का प्रयास रत है। ऐसे में पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अपनी फरियाद लेकर कई जगहों पर भी गया, उच्च अधिकारियों को डाक के जरिए अपनी परेशानी बताया, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे संवाददाता जैद मलिक की खास रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम तेज बोली दोहा है जी। मेरा नाम शमसुद दोहा है जी, और निवासी गुलाम अलीपुरा जिला बहराइच। क्या मामला है पूरा आपका, क्या दिक्कत है आपको? सर मामला पूरा ये है कि मेरे पड़ोस में गुलाम अलीपुरा में जी एक बिल्डिंग निर्माण हो रही है जी, जो जिसमें मेरा उनसे विवाद है। विवाद किस पर है? विवाद ये है कि उसमें मेरा आधा हिस्सा है जी, और जिसका मामला उच्च न्याय यहाँ पे आपका क्या कहते हैं सिविल कोर्ट में चल रहा है जी, और उसके बाद जो है वो नक्शे से अवैध भी काम हो रहा है जी। उसका उस जमीन में जो निर्माण हो रहा है वहाँ पर आपका हिस्सा है जी? उसमें मेरा हिस्सा है जी। उसका विवाद भी हो रहा है जी। और फिर जो वो निर्माण कर रहे हैं उन्होंने नक्शा भी अवैध तरीके से बनवा के रखा हुआ है, यानी गवर्नमेंट से भी वो धोखा कर रहे हैं। अच्छा। चार दुकान नीचे है, चार दुकान ऊपर पास करवाई गई है, जिसमें क्षेत्रफल भी कम दिखाया गया है, लेकिन मौके पे निर्माण करीब 8 नीचे 8 ऊपर दुकानों का हो चुका है, लगभग पूरा होने को कंप्लीट है। और तीसरे मंजिले पे भी बिना नक्शा स्वीकृत कराए तीसरे मंजिले पे भी काम इस वक्त लगा के रखा है, मौके पे आप जाके देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। आपने किसी प्रशासन के अधिकारी से अपील की? सर ये मामला यहीं तक सीमित नहीं है, ये मामला हाईकोर्ट भी गया है। हाईकोर्ट में बाकायदा सिटी मजिस्ट्रेट साहब को कहा गया कि मौके पे आप निर्माण को रुकवाएं, और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने निर्माण रुकवाया। उसके बाद भी पार्टी निर्माण कार्य कर रही है, और हम कई बार यहाँ पे डाक द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को हमने जो है पैरवी के लिए जरिए डाक भेजा है, कई बार व्यक्तिगत अपने मुंह से कहा है। उसके बाद जो है मेरा सिविल सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ भी मामला चल रहा है, जिसमें डेट दी गई है, जिसमें रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन अभी तक उसमें कार्रवाई ऐसी ही रुकी पड़ी है, और उनका निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। तीसरे मंजिले पे भी उन्होंने निर्माण कार्य बहुत। आप चाहते क्या हैं इस पर? सर हम ये चाहते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं अगर उसकी सत्यता जानना है तो मौके पे आप जाएं, या आप अधिकारी को लेके जाएं, वहाँ पे देखें कि निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पार्टी से नक्शा मांगें, और ये मेरी सत्यता खुद वहाँ पे पता चल जाएगी कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। उसमें अपना हिस्सा चाहते हैं आप? सर उसमें मेरा हिस्सा है, और तो हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सिर्फ जो है आप ये चाहते हैं कि वो निर्माण गलत हो रहा है? निर्माण कार्य तो गलत हो ही रहा है। एक तो उन्होंने मेरा उसमें हिस्सा है जी, उन्होंने पूरा का अपने नाम से नक्शा पास करवाया, जो भी अधूरा नक्शा पास करवाया, तो इसमें मेरी लड़ाई मेरे हिस्से की लड़ाई तो है ही है। साथ में ये अवैध तरीके से निर्माण, जब आप इसमें कानून है कि अगर कोई भी आप जो है निर्माण कराएं तो जिस तरह स्वीकृत कराएं उस तरह निर्माण कराएं, लेकिन इन्होंने आधे नक्शा स्वीकृत करवाया और निर्माण ज़्यादा पे कर रहे हैं, और तीसरे मंजिले का तो अभी इन्होंने नक्शा भी स्वीकृत नहीं किया है, नक्शा पास। अपना आप हिस्सा चाहते हैं? जी सर इसमें मेरा हिस्सा हमको चाहते तो हैं। तो कितना हिस्सा है आपका? सर इसमें 1/2 का हिस्सा इसमें चल रहा है, और ये न्यायालय में तो ये दे नहीं रहे हैं क्या? सर ये दे नहीं रहे, इसी बात की लड़ाई हो रही है उसमें, इसी बात की जो है वहाँ पर मुकदमे में। तो आप प्रशासन से क्या चाहेंगे? सर प्रशासन से चाहते हैं कि मौके पर तुरंत कार्रवाई करके काम रुकवा दें, तो और वो देखें कि हाँ अवैध है कि नहीं, खुद वो जाके संज्ञान लें। ठीक। और तीसरे मंजिले का तो अभी इन्होंने नक्शा भी स्वीकृत नहीं किया है, नक्शा पास। अपना आप हिस्सा चाहते हैं? जी सर इसमें मेरा हिस्सा हमको चाहते तो हैं। तो कितना हिस्सा है आपका? सर इसमें 1/2 का हिस्सा इसमें चल रहा है, और ये न्यायालय में। तो ये दे नहीं रहे हैं क्या? सर ये दे नहीं रहे, इसी बात की लड़ाई हो रही है उसमें, इसी बात की जो है वहाँ पर मुकदमे में। तो आप प्रशासन से क्या चाहेंगे? सर प्रशासन से चाहते हैं कि मौके पर तुरंत कार्रवाई करके काम रुकवा दें, तो और वो देखें कि हाँ अवैध है कि नहीं, खुद वो जाके संज्ञान लें। ठीक।